फाइनली गाइस, मेरा चैनल डिलीट हो चुका है और आज है 1 तारीख और बहुत ही ज़्यादा मेरे को गंदा फील हो रहा है। मेरे को नहीं पता मुझे कैसे रिएक्ट करना है, बट मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कि मुझे तब इतना रोना नहीं आया था जितना आज हुआ है। रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ और आज मुझे ऐसा अजीब सा हो रहा है। अभी शाम का टाइम है, अब जाके मैं थोड़ा सही फील कर रही हूँ। मेरे को लगा सही फील भी क्या कर रही हूँ, मतलब वीडियो तो बनानी है। तो मैंने सर्च करे जो नए नए गाने आए हैं, मतलब अभी तक मैं ना बस उसकी वीडियो डाउनलोड करने में पूरा टाइम मैंने वहीं लगा दिया। तो अब वीडियो डाउनलोड कर लिया है मैंने, काफ़ी वीडियो डाउनलोड कर दिया। और थैंक यू आप लोगों को, जितने लोगों ने भी मुझे बताया है इससे करो उससे करो, बहुत हेल्प मिली मुझे। तो अभी हम लोग गाना देखने वाले, मैंने सर्च किए हैं। अभी लोका का एक गाना आया हुआ है, कल या परसों 2 दिन हो गए इस गाने को शायद। तो अभी हमें इस गाने में रिएक्ट करना है, देखना गाना कैसा होने वाला है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं लेटर टू माई सेल्फ, जो कि होने वाला है लोका का। इसमें है ऑफिशियल वीडियो गाइस। मैं फोन से रिकॉर्ड करती हूँ, मैं यहाँ वहाँ देखती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता है कहाँ देखना। तो बिना किसी बकलोले के स्टार्ट करते हैं वीडियो और इन्जॉय कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ब्रो कैसा है ब्रो? बहुत टाइम से तुझे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, काफ़ी कोशिश की। आई होप एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। एक एक लेटर का अगर रिप्लाई दे देगा तो हम लोग को समझ में आएगा अंदर का सिचुएशन क्या है। बट ब्रो की साइड से कुछ रिप्लाई आ रहा है नहीं। लेटर एक, आई होप एवरीथिंग इज फाइन ब्रो। एक लेटर है। इन्फॉर्मेशन तेरी मिली हमें 1-2 हफ्ते बाद, ये आंटी को नहीं पता कि तू जेल में काट रहा तू करी। ओके, ये एल्बम का गाना है गाइस। इस एल्बम के मैंने पहले के गाने रिएक्ट करे थे और मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा। आप गाइस फिर से मुझे रिएक्ट करना, तो आप लोग बताना, पूरी एल्बम मैं साथ में कर लूँगी। वैसे मैंने सुने हुए हैं ये, अफसोस की बात है कि मैंने ये डाउनलोड ही नहीं करे यार, बहुत कुछ रह गया। बट अब मुझे रोना नहीं है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। डियर लोका ऊंचा रखना सर, यू बिन रियल लोका, लिखे तीन थे खत तुझ तक पहुंचे नहीं वो अब। ये साहब ने बोला पैसा देगा तो फिर लेटर क्लियर होगा, पैसा जाएगा गम नहीं पर भाई जाए हजम नहीं। यूटी नंबर 669 और बैरक नंबर 7, इन्फॉर्मेशन तेरी मिली हमें 1-2 हफ्ते बाद, ये आंटी को नहीं पता कि तू जेल में काट रहा तू करी। कैंसर से रिकवरी हमने छुपा रखी बात, ये डोंट यू वरी होगा बार तो बिफोर दिस जनवरी, दिस वन लास्ट फॉरएवर कस पेन होता है टेंपरेरी, हार के जीतना आदत तेरी, आएगा बार तू दावत मेरी। How you doing bro? तुझको तर से देखने आंखें मेरी, आनो आते रोड एंड इजी, पढ़ चुका मैं आर्टिकल, बीडी के बंडल पे मौत मौसम की हुई थी कल। कंडीशंस है क्रिटिकल और सॉल्यूशंस है मिनिमल, इफ यू स्पेंड इन मोर देन 6 मंथ्स यू कैन टर्न इनटू अ क्रिमिनल। जाए जितना जाए पैसा कोई नहीं मेरे भाई जैसा, रिश्ता नहीं है खून का पर तू मेरे बड़े भाई जैसा, फैमिली का टेंशन तू अब लेना छोड़, ये रखूं नहीं मैं ध्यान तो फिर हूं मैं तेरा भाई कैसा। छोटी बहन का बर्थडे हमने कल ही करा सेलिब्रेट, वो सुनती तेरे गाने, मिस करती तुझको वो एवरीडे, वो पूछती लोका का है गाने क्यों नहीं आए, उसने 3-4 गाने लिखे हैं, वो चाहती तुझको सुनाए। ये लॉयर किया हायर एंड ही गेव अस द होप, तेरे खिलाफ नहीं है प्रूफ दैट यू वर सेलिंग द डोप। सेक्शन 67 होता नहीं है वैलिड इन कोर्ट, सो यू गेटिंग आउट सून, वी बिलीव एंड वी होप। और हां बात हुई तेरे मैनेजर से, पिछला डील तेरा कैन हुआ, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, सो खत्म तेरा वो प्लान हुआ। बट नेवर चेंज फॉर दिस मदरफकर, जस्ट बी द फकिंग मैन यू आर, जब भी होगा तेरा बेल शेम जाके लेंगे ब्रांड न्यू कार। होगा तू उससे पहले बार, ये कीप योर सेल्फ काम क्योंकि गुस्से में है हार, जो बनता टूट के है वही तो है असल कलाकार। ये एवरीथिंग इज फाइन, बस तेरी खाली कमी है, तेरे गाने रख रहे ध्यान, रॉयल्टी की आ रही मनी है। बट गॉटा टेल यू समथिंग ब्रो, सुन के करना लेट इट गो, एवरीबॉडी फाउंड आउट क्योंकि न्यूज तेरे पे बनी है, खबर सनसनी है, सपोर्ट की कोई नहीं कमी है, तेरे फैंस मांग रहे जस्टिस क्योंकि क्रिमिनल तू नहीं है। विश्वास नहीं है लोगों पे पर बातें उनके सही, और आप पिछले हफ्ते हुआ मैटर रक्षा जिंदा नहीं है। आरआईपी वो मिलने तुझको आ रहा ही था, जब 5 गीदड़ों ने मिलके मारा ही था, पर वो सच में तेरा भाई अक्षय जिंदा नहीं है। एक मिनट भाई, इतने से गाने में तुमने कितना कुछ बोल दिया है यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मम्मी वाला सीन बहुत खतरनाक था कि वो कैंसर से
One thing bro, सुन के करना let it go. Everybody found out क्योंकि news तेरे पे बनी है. खबर सनसनी है, support की कोई नहीं कमी है. तेरे fans मांग रहे justice क्योंकि criminal तू नहीं है. विश्वास नहीं है लोगों पे, पर बातें उनके सही. और आप पिछले हफ्ते हुआ matter, अक्षय जिंदा नहीं है. RIP वो मिलने तुझको आ रहा ही था, जब पांच की दड़ों ने मिलके मारा ही था. पर वो सच में तेरा भाई, उसने छोड़ी नहीं लड़ाई. क्योंकि अकेले रहकर भी वो तो हारा ही था. बस अब थोड़ा टाइम और फिर तू होने वाला भार. ये देख के तुझको फ्री मालूम रोने वाले चार. असल होंगे साथ नकली सर्कल के बाहर. अंधेरे में रोशनी, तू वापस आएगा स्टार. ये एंड हो गया. ये खतरनाक था भाई, इसको मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है. मैं क्या बोलूँ, कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. इन्होंने भाई एक गाने में ना अपनी पूरी जो लाइफ इनकी जेल में रही है ना, जितने भी महीने ही रही हैं, सब बता दिया है. मतलब जितने भी अभी तक गाने आए हैं इस एल्बम के, मुलाकात में, वो जेल, ये वो, जो भी था भाई, इन्होंने सब बता दिया. इसमें भी इन्होंने अच्छा खासा चीज़ें बता दी हैं. फ्लो इतना बड़ा चला, इतनी बढ़िया वाइब हुई है. जो बीच में कोरस आया अलग, वो तो अनएक्सपेक्टेड था, मस्त था. मतलब सुन के अच्छा लग रहा था, और बड़ा अजीब सा, जैसे सुन सुन के ऐसा हो रहा था, वो भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है. मतलब अजीब सा फील हो रहा था यार. सबसे बढ़िया पार्ट मुझे इसमें वही लगा है, जो था कि लिखे जो खत तुझे वाला जो कोरस टाइप का था, वो मेरे को सही लगा. मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अचानक से आ गया, वो सही लगा. बाकी जैसे जो मम्मी के बाद में कहीं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, फिर इनके दोस्त के साथ जो हुआ वो वाला हो गया, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा ये गैंगस्टर टाइप की चीज़ें चल रही हैं क्या. मतलब ये थोड़े वैसे वाले हैं क्या रैपर जो होते हैं, मतलब इनकी गैंग वैंग ऐसा चलता है, मारना मारना, मतलब वैसा वाला सीन तो नहीं है कि मैंने देखा था. जो बाहर के होते हैं ऐसा कुछ सीन होता है उनका, क्योंकि उनके दोस्त के को मार दिया पाँच लोगों ने, ऐसा ऐसा कुछ सीन है. फिर इनको भी फंसाया है जेल के उसमें, पता नहीं क्या सीन है. तो इतना मतलब अभी तक इतना सुना है, मज़ा आया. आप लोग बताना आपको कैसा लगा. बाकी मैंने कुछ भी मिस किया तो आप लोग बताना. एक बार में मैं जितना कनेक्ट कर सकती हूँ गाइस, ये है, ये ही है, ठीक है. बाकी कोई भी गाने आपको देखने हैं इनके या किसी के भी न्यू आए, तो जल्दी से बताओ कमेंट में, ठीक है. फिलहाल के लिए इसको एंड करते हैं. होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा. तब तक के लिए मस्त रहो, मज़े में रहो, बढ़िया रहो, ऐसी मेरी वीडियो देखते रहो, ठीक है. बाय.